अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है जुहेब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज मैं जिस बाइक का ओनर रिव्यू या एक्सपर्ट रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कावासाकी निंजा ZX10R। थाउजेंड सी सी कैटेगरी का ये बाइक है और जो बाइक इस टाइम आपके सामने है ये फिफ्थ जनरेशन का बाइक है। फिफ्थ जनरेशन जो है ये 2016 से 20 तक आई थी और अभी रिसेंटली कावासाकी ने 2021 में इसका फेस अपलिफ्ट किया है और उसके अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं और वो सिक्स जेन का बाइक है। तो अगर आप ये बाइक या कोई भी और बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो पार्क व्हील के यूज्ड बाइक सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी पसंद की बाइक को सर्च कर सकते हैं और पार्क व्हील पे ZX10R लिस्टेड भी है। तो अगर आप ZX10R में इंटरेस्टेड हैं तो आप पार्क व्हील की यूज़ बाइक सेक्शन को विज़िट करें। जनरेशन का रिव्यू के स्टार्ट में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये बहुत ही स्पेशल रही है कावासाकी के लिए और रिव्यू में आगे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा। 2015 से 20 तक सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं 1000cc कैटेगरी में उनमें नॉन टर्बो नॉन सुपरचार्जर बाइक्स नहीं हिस्सा लेती। कावासाकी की तरफ से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1000cc कैटेगरी में बाइक हिस्सा लेती है वो ZX10R है क्योंकि ना इसमें टर्बो है ना सुपरचार्जर है और ये बाइक 2015 से 20 तक कंटिन्यूसली इसने 6 साल तक चैंपियनशिप विन की है और किसी भी बाइक को इसने अपने पास लगने नहीं दिया और यही वजह है कि ये कावासाकी के लिए स्पेशल रही है क्योंकि इसने 15 से 20 तक कंटिन्यूस चैंपियनशिप विन की थी। अब जब 16 में ये फिफ्थ जेन की बाइक आई थी तो कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि वो समझते हैं कि फोर और फिफ्थ जेन में फ़र्क नहीं है, हालांकि हेल ऑफ डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और वो सारे डिफरेंसेस मैं आज आपको कोशिश करूँगा कि कवर कर सकूँ। ये बाइक इंटायरली चेंज है फोर जेन से, 11 से 15 तक जो ZX10R आई थी उससे इंटायरली चेंज है। सबसे महंगा और सबसे पहला चेंज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसके हेडर्स हैं। हेडर्स पाइप जो होते हैं वो होते हैं एग्जॉस्ट इंजन के अंदर से, जहाँ से एग्जॉस्ट का पाइप स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और घूमकर वो मिडल तक आता है, ये इसको हेडर्स बोला जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम में सबसे महंगे पाइप जो हैं वो टाइटेनियम के होते हैं और कावासाकी ने इसके बेस वेरिएंट में टाइटेनियम के हेडर्स दिए थे जो इंजन से स्टार्ट होकर मिड तक आ रहे हैं। तो टाइटेनियम के हेडर्स देना एक बेस वेरिएंट में 1000cc कैटेगरी की बाइक में किसी भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं करता। जो दूसरी कंपनीज हैं उनके जो स्पेशल एडिशन बाइक होते हैं जिनको वो कुछ कंपनीज एम पैकेज बोलती हैं, इस तरह की बाइक में जिसमें एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं कस्टमर से फिर इस तरह की चीज़ दी जाती है, तो इस बाइक के बेस वेरियंट में देना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप था कावासाकी का। और अगर मैं सिर्फ इसकी कॉस्ट बताऊँ तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख इन हेडर्स की कॉस्ट है। तो कॉस्ट वाइज सबसे बड़ी चेंज जो है फिफ्थ जेन में वो यही थी कि इसके हेडर्स उन्होंने टाइटेनियम के दे दिए थे। इसके अलावा पिछली जनरेशन से इसके इस जनरेशन में जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट रॉड है वो लाइटर किया गया था। उससे होता क्या है, जब भी इंजन के अंदरूनी पार्ट्स को हल्का किया जाता है तो उससे मोटर की एफिशिएंसी और पावर आउटपुट डिलीवरी बढ़ जाती है। इसके क्रैंक शाफ्ट रॉड पे उन्होंने एक स्पेशल किस्म की कोटिंग की थी जो हाई टेम्परेचर पे इसको प्रोटेक्ट रखती है। दो आपका इंजन ऑयल इसके अंदर होता है फिर भी उन्होंने एक स्पेशल कोटिंग कर दी थी जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करता है आपके क्रैंक शाफ्ट रॉड को। इसके अलावा इसके एयरबॉक्स का साइज़ उन्होंने बड़ा किया था, एयरबॉक्स का साइज़ भी बड़ा किया था और एयर फिल्टर का साइज़ भी बड़ा किया था। इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा एयर आपकी इनटेक में आती है, इंजन में जाती है, ज़्यादा धमाका होता है, ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट होते हैं, इंजन की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती है। एयरबॉक्स की बात हो रही है तो आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसके अंदर उन्होंने 8 फ्यूल इंजेक्टर्स डाले थे, 4 डायरेक्ट एयरबॉक्स के अंदर माउंट हैं और 4 थ्रोटल बॉडी में हैं। ऊपर जो एयरबॉक्स में उनको अपर और जो नीचे हैं उनको लोअर इंजेक्टर्स बोला जाता है और दोनों अलहदा अलहदा उनकी फ्यूल मैपिंग हुई हुई है इसके ECU में, मतलब अपर की अलहदा है और डाउन की अलहदा है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लो RPM में बाइक चला रहे हो तो फ्यूल इकोनॉमी बाइक खुद ही आपके लिए मेंटेन कर लेती है कि वो 4 इंजेक्टर्स बंद कर देती है और 4 चलने देती है जिससे आपका पेट्रोल कम इस्तेमाल होता है और आपका एक तरह का ऑटोमेटिकली इकोन मोड आप समझ लें कि आपका ऑन रहता है बाइक में। जैसे ही आप थ्रोटल को हल्का सा तेज़ करेंगे
उसके साथ ही 8 के 8 इंजेक्टर्स फौरी एक्टिव हो जाते हैं और आपको बिल्कुल एक बूस्ट मिलता है फौरी तौर पे, और ऐसा बूस्ट है कि जिसमें आपको लैग नहीं है। मतलब ये इतना क्विक रिस्पॉन्स है इस बाइक का ओवरऑल, इसकी जितनी भी इंजेक्टर्स की जो भी फ्यूल मैपिंग है, कावासाकी ने हैड्स ऑफ टू देम, उन्होंने ऐसी की है कि आपको बिल्कुल लैग नहीं आता, लोअर और हाई आरपीएम में बहुत स्मूथ जाती है ये बाइक, इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है। एक बात मैं छोटी सी और इंक्लूड करता चलूं कि इसके जो एयर बॉक्स के आगे जहां से एयर का इंटेक स्टार्ट होता है वहां पे एक फ्लैप भी इंस्टॉल किया था कावासाकी ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है। बाइक खुद ही डिसाइड करता है कि उसको कब ओपन क्लोज करना है या कितने परसेंट ऑन करना है, उससे बाइक जो है ऑटोमेटिकली खुद ही आपकी एयर इंटेक को कंट्रोल कर लेती है। ये भी इसके अंदर एक चेंज था। इस बाइक में इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट क्विक शिफ्टर दिया था और अपने बेस वेरिएंट में भी दिया था। क्विक शिफ्टर से होता क्या है कि आपको क्लच लीवर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अपने गियर को अप कर सकते हैं और डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि डाउन शिफ्ट जो है उसको ऑटो ब्लीपर बोला जाता है। तो इस बाइक में क्विक शिफ्टर है पर ऑटो ब्लीपर नहीं है। 2019 ऑनवर्ड जो कावासाकी ZX10 आ रही थी उसके अंदर ऑटो ब्लीपर भी देना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने 2016 में। कावासाकी ने ना सिर्फ इसके इंजन से रिलेटेड बल्कि इसके आउटर लुक जो है उससे रिलेटेड भी बहुत चेंजेस की थी और इसकी जो एरोडायनामिक्स है उनको मजीद बेहतर किया था। अगर आप गौर करें तो इसकी जो नोज़ है, फ्रंट नोज़ है, ये एंटायरली चेंज है पिछली जनरेशन से। दो थोड़ी बहुत आपको लगेगा कि जैसे पिछली जनरेशन में थोड़ी सी वाइडर या बल्कि सी फील होती है उसी तरह की, लेकिन इसका डिज़ाइन एंटायरली चेंज है। इसकी हेडलाइट्स रीडिज़ाइन की गई थी, इसकी जो विंड प्रोटेक्टर है, विंड स्क्रीन कह लें या विंड प्रोटेक्टर कह लें, उसको भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया था और ओवरऑल इसकी जो शेप है वो भी चेंज की थी। इससे उन्होंने इसके एरोडायनामिक्स को मज़ीद बेहतर बनाया था। इसकी साइड फेयरिंग का डिज़ाइन भी चेंज किया गया था और एरोडायनामिक्स के लिए जो भी कट्स थे उन्होंने रीडिज़ाइन किया था। किसी भी हैवी बाइक के अंदर इंजन के बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो उसका ब्रेकिंग सिस्टम होता है, और इन्होंने ना सिर्फ ब्रेम्बो के कैलिपर यूज़ किए थे बल्कि जो राउटर हैं ये भी ब्रेम्बो के यूज़ किए थे, और इसके अलावा जो मास्टर सिलेंडर होता है जहाँ से सारी गेम स्टार्ट होती है, जो मास्टर सिलेंडर है जहाँ से ऑयल ने पम्प होकर कैलिपर्स तक जाना है, यहाँ पे मास्टर सिलेंडर भी उन्होंने ब्रेम्बो का दिया था। तो ओवरऑल ये एक पैकेज है जिसमें मास्टर सिलेंडर भी ब्रेम्बो का है, राउटर्स भी ब्रेम्बो के हैं और कैलिपर भी ब्रेम्बो का है, और ओवरऑल इस बाइक की परफॉर्मेंस आउट क्लास है ब्रेकिंग के अंदर। ब्रेकिंग के अंदर मैं मज़ीद ऐड करता जाऊँ तो इन्होंने इसके अंदर डुअल चैनल ABS भी दिया था। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो बाइकर्स हैं ज़्यादातर उनके पास मेजोरिटी के पास नॉन ABS बाइक हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में 600 cc को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और 600 में जो हैं बाइक्स वो मेजॉरिटी बाइक्स जो हैं वो 15 से निचली मॉडल की हैं, और 600 सीसी में जो ABS है वो 15 के बाद आना शुरू हुआ था, जिसमें R6 है सुजुकी का, जिसका 600 है और दूसरी बाइक्स हैं। कावासाकी ने 2016 में ना सिर्फ इसके ABS तो पहले भी था ZX10R में, लेकिन 16 में 5th Gen में वो ABS को उन्होंने एक अनदर लेवल पर पहुँचा दिया था और कॉर्नरिंग ABS भी इसके अंदर इंक्लूड किया था। कॉर्नरिंग ABS है कि अगर आपकी बाइक सीधी चल रही है उसमें तो ABS काम कर ही रहा है, लेकिन अगर आपकी बाइक टिल्ट है, मुड़ी हुई है, मोड़ पर है, उसमें भी ये ABS सेंस कर रहा है कि आपकी बाइक कितनी मुड़ी हुई है, आपकी बाइक की स्पीड क्या है, आपने थ्रोटल कितना खोला हुआ है, रियर व्हील की स्पीड क्या है, अगले व्हील की स्पीड क्या है, आप ब्रेक कितने प्रेशर से अप्लाई कर रहे हैं, सारी रीडिंग जो इंजन का IMU यानी कि कंप्यूटर हेड है उसके पास जा रही होती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और वो आपके लिए डिसाइड कर रहा होता है कि कितनी प्रेशर से उसने ब्रेक आगे ऑयल रिलीज़ करना है। तो कॉर्नर पे ये बाइक ABS इसका कॉर्नर पे भी काम करता है प्रॉपर, और जब बाइक स्ट्रेट है तब भी काम करता है, तो इसको कॉर्नरिंग ABS बोला जाता है कि बाइक जब मुड़ रही हो उसमें भी प्रॉपर काम करे। 5th Gen जो है इसके अंदर एक और चेंज जो कावासाकी ने की थी वो ये थी कि जो बाइक का IMU होता है, यानी कि एक होता है ECU जिसने ओवरऑल फ्यूल को कंट्रोल करना होता है, फ्यूल मैप होते हैं जिसके अंदर इंस्टॉल, एक IMU होता है जो बाइक के इलेक्ट्रिक फीचर जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अंदर 16 में उन्होंने बोश का लेटेस्ट IMU इंस्टॉल किया था और उस वो 6-axis बेस कंट्रोल है, यानी कि वो 6 मुख्तलिफ एंगल से रीडिंग ले सकता है, जिस तरह एक यूँ समझ लें प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी इस बाइक के अंदर इंस्टॉल है, तो वो सारा डाटा बाइक से जितना भी उसने लेना है, जितने सेंसर बाइक में इंस्टॉल है सबसे डाटा लेता है और ओवरऑल बाइक के जितने भी इलेक्ट्रिक फीचर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। उसका रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट है, जो मैंने नोट किया ओवरऑल इस बाइक में उसका रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपकी बाइक में हो और ऑन हो और टायर ठंडा और आप एकदम रेस दें तो टॉर्क इंस्टेंट होने की वजह से टायर आपका स्किड करता है रोड के ऊपर, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल उसको कंट्रोल करती है। इसका टायर जब स्किड करता है इससे पहले कि आप
रिस्पॉन्स करें उसके ऊपर, यानी आप अपनी थ्रोटल को बंद कर कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उससे पहले ही बाइक कर चुका होता है। यानी इतना फास्ट है कि आप अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे, उससे पहले बाइक ऑलरेडी उसको कंट्रोल कर चुका होगा। तो इसका IMU इतना फास्ट है। पावर मोड इसके अंदर पहले भी थे, जिसको तीन मोड होते हैं, लो, मीडियम और फुल। लो को कावासाकी बोलती है कि ये रेन मोड है, आप रेन में लो पे चलाया करें, मीडियम आप इन सिटी, और फुल पे आप तब चलाया करें जब आपने ट्रैक पे या किसी के साथ ड्रैग रेस करनी हो। इसके नीचे आप देख रहे हैं KEBC कावासाकी इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल। ये एक नई फीचर थी इस बाइक के लिए। इंजन ब्रेकिंग आपको जैसे कि पता है कि अगर आपने रेस दी हो बाइक के अंदर और क्लच इंगेज किए बगैर अगर आप रेस छोड़ेंगे तो इंजन एक ब्रेक पैदा करता है, यानी इंजन भी खुद एक ब्रेक अप्लाई करता है और बाइक आपकी आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। तो कावासाकी ने उसको भी कंट्रोल करने की फीचर दी थी। आप इसको ऑफ या लो पे सेट कर सकते हैं, यानी इंजन की ब्रेक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि नीचे आपको मैं ऑलरेडी बता सकूँ कि SKTRC जो है, ये कावासाकी स्पोर्ट्स ट्रैक्शन कंट्रोल इसका मतलब बनता है। कावासाकी ने इसके अंदर 3 से 5 लेवल पर उन्होंने किया था। नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है वो क्विक शिफ्टर की है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी है, और इसके अंदर एक लॉन्च कंट्रोल भी उन्होंने दिया था, जो वो भी एक इलेक्ट्रिक फीचर ही बनता है। लॉन्च कंट्रोल क्या है, आप यूँ समझ लें अगर आपकी कोई ड्रैग रेस है और आपने अब ज़ीरो से रेस स्टार्ट करनी है, अब आपको पता है इस बाइक के अंदर इतना हॉर्स पावर, इतना टॉर्क है कि अगर आप रेस थ्रोटल को वाइड ओपन करके फर्स्ट गियर डालकर एकदम क्लच छोड़ेंगे तो आपका फ्रंट व्हील हवा में आ जाएगा और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कावासाकी ने लॉन्च कंट्रोल दिया था इसके अंदर, आप उसको एक्टिव करें बाइक, लेकिन वो काम सिर्फ फुल मोड में करता है। आप बाइक को फुल मोड में, फुल पावर मोड में डालें, ट्रैक्शन कंट्रोल 1 पे कर दें या 0 पे कर दें, और आप इसके लॉन्च कंट्रोल को ऑन करके फुल थ्रोटल देकर रखें, आपका RPM जो है 9 पे लॉक हो जाएगा, और उसके बाद जब आप एकदम क्लच छोड़ेंगे तो आपका व्हीली कभी नहीं करेगी बाइक, बाइक इंस्टेंट निकलेगी लेकिन व्हीली नहीं करेगी, और जैसे ही 93 किलोमीटर की स्पीड को क्रॉस करेगी उसके बाद लॉन्च कंट्रोल ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आपने बाइक को खुद संभालना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फीचर से जो कावासाकी ने इस बाइक में इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ तो आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसको स्टेयरिंग स्टेबलाइज़र बोला जाता है। अगर किसी भी वजह से आपका स्टेयरिंग वबल आती है, किसी भी वजह से वबल आ जाती है, तो ये उसको कंट्रोल करता है, और ये इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी कि ये मोटराइज है, और इसका जो बाइक का IMU है वो खुद इसको कंट्रोल करता है, खुद जज करता है कि इसको उसने कब एक्टिव करना है, कब डीएक्टिव करना है या कितनी पावर से एक्टिव करना है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और सेम स्टेबलाइज़र आपको H2 में भी मिलता है, यानी जो H2 में स्टेबलाइज़र मिलता है वही सेम इसके अंदर इंस्टॉल है। दूसरी 600 या 1000 CC बाइक में अक्सर आपने देखा होगा कि उनके इंडिकेटर्स जो हैं वो किसी बाइक के बॉडी फ्रेम में इंस्टॉल होते हैं, लेकिन इसके अंदर कावासाकी ने खूबसूरती को भी मद्देनज़र रखते हुए उसके इंडिकेटर्स जो हैं मिरर के अंदर ही दिए थे, और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिलहाल मैंने थोड़े से स्मोक करवाए हैं तो शायद आपको इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम लग रही हो, लेकिन ओवरऑल इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रंट सस्पेंशन जो है ये एंटायरली चेंज थी। दरअसल 2016 में शोवा कंपनी जो है इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको बैलेंस फ्री फोक कहते हैं। बैलेंस फ्री फोक के अंदर बैलेंसर नहीं होता, जो शोक के अंदर का बैलेंसिंग रोड और बैलेंसिंग फंक्शन होता है वो नहीं होता, और इसको बैलेंस फ्री फोक बोला जाता है। ये जो आप इसका सिलेंडर सा देख रहे हैं इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पर इसका ऑयल है, तो ये नाइट्रोजन गैस और ऑयल दोनों को मिलकर ओवरऑल ये सस्पेंशन जो है इस बाइक की अपने आप को बैलेंस करती है। और एक सस्पेंशन के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि राइडर का प्रीलोड, कंप्रेशन और रीबाउंड, तीनों चीज़ों की सेटिंग फ्रंट सस्पेंशन में अवेलेबल है। आप चाहें तो राइडर अपने वेट के लिहाज से और अपनी नीड के लिहाज से कंप्रेशन, रीबाउंड और प्री लोड को एडजस्ट कर सकता है। रियर सस्पेंशन जो है वो मोनो शॉक बेस्ड है। ऑफ कोर्स हर हैवी बाइक की मोनो शॉक ही होता है, लेकिन इसमें भी उन्होंने शोवा का रियर शॉक इस्तेमाल किया था। यहाँ से आप राइडर का प्री लोड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कंप्रेशन को सेट कर सकते हैं, और ये रीबाउंड का स्क्रू है। तो रियर फोक में भी आपको तीनों चीज़ें एडजस्टेबल मिलती हैं, प्रीलोड, कंप्रेशन और रीबाउंड। रियर की बात करें तो कावासाकी ने इसकी जो टेल एंड है उसको कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया था। इसकी जो टेल लाइट है उसको भी चेंज किया गया था। पहले जो है वो एक सिंपल सी होती थी, लेकिन इन्होंने इसको एक जिस तरह निंजा का एक स्टार होता है, तो अगर आप हाफ स्टार देखें तो तकरीबन इसी शेप का होता है, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया था इसकी टेल लाइट को। LED बेस्ड है, और साथ इसके जो इसका रियर फेंडर होता है या लाइसेंस प्लेट फ्रेम होता है वो इसका जो है मैंने रिमूव किया हुआ है, उसकी जगह मैंने जो है इसका फेंडर इलेमिनेटर लगाया हुआ है जिसमें इंडिकेटर इंस्टॉल हैं।
तो इस तरह बाइक की ज़रा खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। टायर की बात करें तो इस बाइक में बाय डिफ़ॉल्ट जो है रियर पे 190 का टायर आता है और फ्रंट पे 120 का आता है, और रियर पे जो है कावासाकी जो यूज़ करती है यानी फैक्ट्री टायर देती है वो ब्रिजस्टोन का देती है, बैटलैक्स वही इसके अंदर इंस्टॉल है। फ्रंट पे जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ब्रेम्बो सिस्टम पूरा यूज़ किया था, ब्रेम्बो ब्रेक सिस्टम, लेकिन रियर पे जो है वो निसन का ब्रेक कैलिपर मौजूद है और निसन का ही मास्टर सिलेंडर है। इसको हैंडल करना रश के अंदर बहुत ही ईजी है, जैसे एक छोटी बाइक आप हैंडल करते हैं सेम वैसे आप इसको हैंडल कर लेते हैं। बल्कि अगर इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप यूँ समझ लें कि एक 600 सीसी से ज़्यादा प्रेफरेबल 1000 सीसी बाइक को मैं कहूँगा, खासकर ये ZX10R। पाकिस्तान में एक तो 600 का ट्रेंड ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ बाइक जो है वो 1000 सीसी की होती है। अगर आप अपने एग्रेशन को और अपने अंदर के हॉर्सेस को कंट्रोल कर सकें, जो आपके दिमाग में और जो आपका ओवरऑल एग्रेशन होता है अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो 1000 सीसी जितनी सेफ्टी फीचर्स आपको देता है 600 में नहीं आते। तो ओवरऑल 600 से इसको हैंडल करना भी इजी है, मनूवरिंग भी इसकी इजी है, और जितने इलेक्ट्रिक फीचर सेफ्टी वाइज इसके अंदर दे दी गई हैं मैं समझता हूँ कि 600 लेने की बजाय 1000 को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो फ्रैंकली अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ ओनर पे डिपेंड करती है कि वो कितनी कॉस्ट बियर कर सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन ऑयल डलवा सकते हैं। मुझसे पूछें तो मैं सबसे अच्छा इंजन ऑयल जो अवेलेबल होता है वो डलवाता हूँ। मैंने इसके अंदर मोटर का इंजन ऑयल डलवाया था, वो 4500 पर लीटर आता है, तो और इसके अंदर तकरीबन 3.7 लीटर इंजन ऑयल डलता है। ऑयल फिल्टर जो है सबसे अच्छे से अच्छा डलवाना चाहिए। इसमें KNN का मैंने डलवाया था, वो तकरीबन 2500 या 3500 का आया था, मुझे उसकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। और अगर एयर फिल्टर की बात करें तो वो मैंने इसके अंदर DNA का डाल लिया हुआ है, वो वॉशेबल होता है, तो मैं 1000 या 1500 किलोमीटर के बाद वो निकाल कर उसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। तो मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करती है। इसके अंदर मैं एक छोटी सी लाइन और ऐड करता चलूँ, आप सबसे अच्छा इंजन ऑयल डलवाया करें, उससे आपके बाइक की इंजन की लाइफ इंक्रीज़ करती है और इंजन ने जो एक पीरियड के बाद मेंटेनेंस निकालनी होती है उसका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। हमारे मुल्क में 10,000 या 12,000 किलोमीटर बाइक चल जाए तो लोग घबरा रहे होते हैं उसको लेने से कि पता नहीं बाइक जो है वो अपनी लाइफ ही ख़त्म कर चुका है इंजन उसका। ऐसा नहीं है, हैवी बाइक्स के इंजन जो है लाख भी चल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने उनके इंजन के साथ किया क्या है उस टेन्योर में, उनको रखा कैसे है, ऑयल कौन सा यूज़ किया है, फ्यूल कौन सा यूज़ किया है, मेंटेनेंस कितने किलोमीटर्स बाद आप करवाते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। जो इंजन ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी लाइफ 4000 किलोमीटर तक चलने की है, लेकिन मैं इसको कम से कम 2000 पे तकरीबन चेंज करवा लूँगा, यानी उसकी हाफ़ लाइफ भी नहीं होगी तो चेंज करवा लूँगा ताकि मेरी इंजन जो है वो सेफ़ रहे। इस बाइक के प्राइस के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, इसके दो वेरियंट है, एक 16 में ZX10R 5th जन आया था और 17 में ZX10RR भी आ गया था। दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। अगर 16 मॉडल का यानी कि जो बाइक आपके सामने है ये आप आज लेना चाहें तो आपको तकरीबन 4 मिलियन के राउंड अबाउट ये बाइक मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो बाइक फ्रेश इंपोर्ट है या पाकिस्तान में कितना चल चुकी है या उस बाइक की ओवरऑल कंडीशन क्या है, कितना चली हुई है। मैंने जब ये बाइक ली थी तो ये तकरीबन 3800 किलोमीटर चली हुई थी और ओरिजिनल पेंट में है ये बाइक, इस नॉन एक्सीडेंट बाइक है, ओरिजिनल पेंट में है, ओरिजिनल कंडीशन में है, तो और फ्रेश इंपोर्ट थी। तो फ्रेश इंपोर्ट बाइक हो, ओरिजिनल कंडीशन में हो, ओरिजिनल फेयरिंग है, ओरिजिनल पेंट है और कम चली हुई बाइक जो है 3-4 हज़ार, तो ये आपको 4.2 मिलियन कॉस्ट करती है। तो गाइज ये था आज का रिव्यू। जाने से पहले जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि शहर के अंदर अपने इमोशंस पे अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखा करें थोड़ा सा, और प्रॉपर एक डिसाइडेड ट्रैक पर बाइक को चलाया करें, और जो YouTube चैनल पर दूसरे व्लॉगर्स 300 या उससे अबव भी चला रहे हैं उनसे देखकर इंस्पायर होकर आप रोड पर इसको चलाने मत निकल जाया करें। अपनी सेफ्टी का ख्याल आपने खुद रखना है, राइडिंग गियर्स पूरे रखा करें, हेलमेट और सेफ्टी गियर्स जो हैं वो पहन कर चलाया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।